ये है इंदौर इच्छापुर हाईवे मार्ग, आप देख रहे राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, और ये इसकी स्थिति है। टोल टैक्स टोल कंपनी ने वसूलना शुरू कर दिया है, और ये गाड़ियों की स्थिति आप देखिए, ये गाड़ियां कैसी आ रही है और किन परिस्थितियों में आ रही है। ये सारी प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी भी आ रही है, आप अभी इनको देखें। और ये सब प्रशासन का जो ढर्रा है, और ये सब जो रोड आप देख रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल करना टोल टैक्स वालों का काम है। ये इसी बीच एसपी साहब भी जा रहे हैं, एसपी साहब कलेक्टर साहब सब ये अधिकारी लोग जा रहे हैं। ये गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं, और इसी बीच यहाँ पर खंडवा के विधायक जी भी आए हैं, और ये गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं। एक किसान ये देखिए ये हरा धनिया कोथमीर लेके जा रहा था, ये उसकी गाड़ी पड़ी है, ये मोटरसाइकिल पड़ी है, एक वो कार आगे पड़ी है, एक वो कार उससे आगे पड़ी है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये कलेक्टर महोदय भी जा रहे हैं यहाँ से। ये सिर्फ आप जो देख रहे हैं कि ये जो सारे जो एक्सीडेंट हुए हैं, कलेक्टर साहब तीन लोग मर गए हैं, आप गाड़ी का मुआवजा कीजिए। विधायक जी भी यहीं खड़े हैं, और इसी बीच विधायक प्रतिनिधि श्री तन्वे जी ने कलेक्टर और एसपी सभी को यहाँ पे बुलाकर और घटना की जानकारी ली है। अब इसी बीच आप यहाँ कैसे खड़े हैं विधायक जी? मैं आज श्रावण सोमवार है, ओमकारेश्वर जा रहा था। ये नेशनल हाईवे पर सगड़िया फाटा के पास देखा मैंने, ये 100 मीटर का जो रोड है, ये 100 मीटर के रोड पे तीन तीन फीट के गड्ढे हैं, हाईवे है, स्पीड से लोग आते हैं, और रोज मुझे यहाँ पता चला कि रोज लोगों की जाने जा रही है। अभी भी मैंने देखा ये गाड़ी किसान की पलट गई, पूरी कोतमीर नुकसान हो गई है, दो गाड़ी यहाँ साइड में पड़ी है, वो भी बेहाल इंदौर गए हैं। ये नेशनल हाईवे है, टोल चालू हो चुका है, अधिकारी बोलते हैं कि हमें ये परमिशन नहीं मिली, हमें वो परमिशन नहीं मिली, और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। मैं अभी जीएम साहब से भी बात करूंगा, कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा कि ये 100 फीट का रोड है, इस पे गड्ढे भर जाए, इस पे मुरूम डल जाए, और ये रोड चालू हो ताकि निर्दोष लोगों की जाने बचे। ये देख के आत्मा कलप गई जब मैंने यहाँ आके पूछा, ये सब लोग खड़े हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, दो दो तीन तीन गाड़ियां डैमेज हो गई है, और लोगों निर्दोष लोग बेजान निर्दोष लोगों की जान जा रही है। अभी कलेक्टर साहब ने भी देखा तो कलेक्टर साहब भी उतर गए हैं, एसपी साहब भी यहीं से गुजरे, और निश्चित ही कलेक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं। इसमें अभी श्रावण सोमवार चल रहा है, गाड़ियों का श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, ये तुरंत ठीक होगा, हम बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे। ये लापरवाही ठीक नहीं है, इस तरीके की लापरवाहियां किया जाना ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये हाईवे पर यह हालत है, ये सारे जो ग्रामीण इकट्ठा हुए, ये हादसे क्या रोज हो रहे हैं? प्रतिदिन हादसा हो रहा है, और जो भी व्यक्ति इस हादसे का शिकार होता है वो सीधा मौत हो रही है। देखिए आप एक्सीडेंट प्रतिदिन वो दिख रही है, एक बाइक है, एक इनोवा है, एक आर्टिगा है, आए दिन है ना मौतें होती रहती है, और आए दिन कोई ना कोई आदमी स्पीड में आता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि यहाँ पर गड्ढा है या नहीं है, लेकिन होता क्या है आदमी अपनी स्पीड से चलता है, बट बाद में पता चलता है। अब इतना नजदीक आदमी गाड़ी कोई भी आदमी हो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो यहाँ समस्या आए दिन ये मौत का जमावड़ा है, और यहाँ पर मौतें होती रहती है, कई लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर ऑलरेडी, लेकिन ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई भी किसी प्रकार का कोई सिस्टम ध्यान दे रहा है, ये सारा सिस्टम की गड़बड़ी है। ये तो ये चीज को तुरंत करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आम आदमी की जान जा रही है, गरीब किसान ये धनिया लेके आया है बेचने के लिए, बेचारा बाइक से आया धनिया बेचने के लिए, लेकिन वो मंडी ना पहुंच पा करके यहाँ चले गया, उसकी गाड़ी भी खत्म हो गई, वो ऊपर चले गया सीधा, आदमी की मौत हो चुकी है, धनिया बेचने आता उसका परिवार भी उसके साथ में लगा है। तो ये बात को कम से कम सिस्टम प्रशासन कलेक्टर महोदय सांसद महोदय कलेक्टर महोदय भी यही है, कलेक्टर महोदय भी यही है, भी यहीं पर है अभी फिलहाल स्थिति में देख रहे हैं, और इस चीज का समाधान सामने जो मतलब कंडीशन में हल टू हल होना चाहिए, ये इसको सिस्टम को बदलना चाहिए। यहाँ पर आज ही डलेगी, ये पूरा सिस्टम डलेगी, यहाँ से
ये फॉर्म डलवाने के बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से। और सर अभी तो सबसे बड़ी बात है डलवाने के बाद ही यहाँ से मैं हिलूंगा, इसके पहले यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। विधायक महोदय सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ियाँ से बोरगांव तक के रोड का टोल प्लाजा चालू कर दिया है, लेकिन रोड का सिस्टम चालू नहीं हुआ है, रोड किसी भी प्रकार से बना नहीं है, सारी चीजें जो होनी चाहिए रोड में वो हुई नहीं है, लेकिन लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, हर तरीके से पैसा वसूला जा रहा है, कंडीशन इतनी खराब है। ये देखो मैं कितने गड्ढे में खड़ा हूँ, अभी भी देख लो आप, ये स्थिति को देख सकते हो, ये रोड की हालत रहेगी तो कैसे काम चलेगा सर, ये बताओ, ये मध्य प्रदेश का सिस्टम है, ये कैसे चलेगा, ये किस तरह का काम चल रहा है यहाँ पर, ये कंपनी वाले की और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलती हुए सारा चीज चल रहा है। आपने पैसा ले लिया, आपके जितने भी कमीशन चल रहे हैं वो सब हो चुके हैं, सारा सिस्टम हो गया, आपने उसको टोल चालू करने की परमिशन दे दी है, किस पे आप पे वो परमिशन ले रहा है आप तो पहले ये चीज का बताइए हमको, किस पे आप पे ये चीज का परमिशन हुआ है, फॉरेस्ट में इसलिए इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं। आई थी जी, इस वजह से अरे भीड़ नहीं है।